गालिब और मगलूब, गालिब मगलूब नहीं, गालिब मगलूब। गालिब का मतलब किसी पर गालिब आना, मतलब किसी पर नियंत्रण कर लेना, कंट्रोल कर लेना, आधिपत्य स्थापित कर लेना, अधिकार कर लेना। और मगलूब का मतलब वो जिस पर आधिपत्य स्थापित किया गया हो, जिसको कंट्रोल किया गया हो, जिसको अधिकार में ले लिया गया हो। गालिब मगलूब। देर से आए, कोई बात नहीं, देर आया तो दुरुस्त आया। आपने पूछा इशिता और चकबस्त का मतलब, आज जाने लो। इशिता जो नाम है ये दरअसल ईशिता होना चाहिए, ईशिता, इशिता नहीं, ईशिता ये नाम है। और ईशिता का मतलब है सुप्रीमेसी। अनेक इसके पर्यायवाची मुझे मिले, अंग्रेजी में सुप्रीमेसी, उर्दू में बालादस्ती और बरतरी, बरतरी, और हिंदी में इसके अनेक पर्यायवाची मिले, ईश्वरत्व, श्रेष्ठता और प्रभुत्व वगैरह, ईशिता। और चकबस्त जो है वो कश्मीरी ब्राह्मणों की एक उपजाति का नाम है, चकबस्त, पंडित ब्रिजमोहन, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। चकबस्त जैसा कि मैंने बताया कश्मीरी ब्राह्मणों की एक उपजाति का नाम है। और चकबस्त दो शब्दों से बना है, चक एंड बस्त। चक शब्द के अनेक अर्थ हैं। चक का एक अर्थ है ज़मीन का टुकड़ा, और बस्त का मतलब होता है मुंसलिक, मतलब मुंसलिक के सेंस में, अटैच्ड के सेंस में। तो चकबस्त ज़मीन के टुकड़े से मुंसलिक।